अगर आपके अंदर जोश और जज्बा दोनों है तो फिर आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं जहां 92 साल की एक दादी का खा गा पढ़कर साक्षर हो चुकी है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। ये सच है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बुलंदशहर की 92 साल की दादी सलीमन इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस उम्र में लोग दवा और दुआ पर निर्भर होते हैं, उस उम्र में सलीमन ने पढ़ाई करने का मन बनाया और पहुंच गई टीचर के पास और कहा कि मुझे भी पढ़ना और लिखना सीखना है। टीचर ने जब उनसे पूछा कि आप अब इस उम्र में क्यों पढ़ना चाहती हैं, तो उनका जवाब भी बड़ा दिलचस्प था। सलीमन ने कहा कि उनका निकाह 14 साल की छोटी उम्र में हो गया था। उसके बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और उनके पढ़ने की इच्छा डूबी की डूबी रह गई, लेकिन अब वह पढ़ना चाहती हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अब पोते पोतियों को देख मन में पढ़ने की इच्छा फिर जागी तो ठान लिया कि अब आगे पढ़ाई करनी है। टीचर प्रतिभा शर्मा ने उनके जोश और जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें पढ़ाना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो सलीमन ना गिनती जानती हैं और ना ही अपना नाम लिखना जानती हैं, आज वह इस काबिल हैं कि वह 1 से 100 तक की गिनती लिखने पढ़ने लगी हैं और अपना नाम भी लिख लेती हैं। अब तो वो साक्षर भारत अभियान के तहत नव साक्षर बनने की परीक्षा में पास होकर नया कीर्तिमान ही रचने जा रही हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग महिला पढ़ते हुए दिख रही हैं। सलीमन बताती हैं कि जब उन्होंने हाथ में कलम पकड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर क्लासरूम में अक्षर ज्ञान सीखने लगी। अब वह किताबों को आसानी से पढ़ने लगी हैं। सलीमन बताती हैं कि ये परीक्षा इसलिए दी कि पता लगे कि मैंने कितना कुछ सीखा है और पहली बार परीक्षा देकर खुशी महसूस हो रही है। सलीमन दादी वैसे सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो सारी सुविधाओं के बावजूद पढ़ने लिखने से कतराते हैं, मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।